नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के तटों से रिमाल तूफान टकराया है। आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रिमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रिमाल तूफान का लैंडफॉल चला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहाँ पर बारिश हो रही है, वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रिमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रिमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रिमाल तूफान है वो देखिए टकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रिमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गए। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है। पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो देखिए, कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। अभी ये साइक्लोन को लेकर स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज ऑल्सो बींग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है।